योर फर्स्ट चैप्टर इज़ द यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड. द यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट. इट कंसिस्ट ऑफ होल स्पेस, पूरा अंतरिक्ष होता है उसमें. इन विच वी लिव, जहाँ हम रहते हैं वो भी, दैट इज़ द अर्थ टुगेदर विद ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितने भी स्टार्स हैं. द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी है जिससे यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स वॉज इनिशियली हॉट एंड डेंस. मतलब आरंभ में सारी चीज़ें क्या थी, गर्म थी और बहुत डेंस थी. एंड स्लोली ये धीरे धीरे कूल होती गई और कंडेंस होती गई, यानी सिकुड़ती गई. द सिस्टम दैट वेयर फॉर्म्ड दस आर कॉल्ड गैलेक्सी, जिसको हम आकाशगंगा भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं तारों का जो समूह होता है. देर आर मिलियंस ऑफ, कई गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, जिसमें से है आपका मिल्की वे, एंड्रोमीडा, ये एग्जाम्पल है गैलेक्सीज का. गैलेक्सी क्या होता है, वी सी द स्काई डेकोरेटेड विद मून प्लैनेट्स एंड स्टार एट नाइट. आप लोग आकाश में देखते होंगे कि मून भी दिखाई देता है, दिन में सन दिखाई देता है आपको, और कुछ प्लैनेट्स जो कि आप ध्यान से देखेंगे कई बार रात में तारे जो हैं आपको टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं. एक तारा ऐसा आपको लगेगा कि ये तारा है और वो टिमटिमा नहीं रहा है, वो प्लैनेट है आपका वीनस. एंड स्टार्स एट नाइट, बट वाई डोंट वी सी दीज ग्लिटरिंग स्टार्स ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम पे हमें क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि सन की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि ये हमें दिखाई नहीं देते हैं. मिल्की वे, अ गैलेक्सी एक मैसिव क्लस्टर्स है, मतलब खूब ढेर सारे हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो कि सेंटर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. ऑल द स्टार्स विच वी सी फ्रॉम द अर्थ बिलोंग टू द अर्थ गैलेक्सी. जितनी भी तारे हम अर्थ में देख रहे हैं वो सारे अर्थ की गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं. और द मिल्की वे, द मिल्की वे इज़ द नेम गिवन टू द फेंट बैंड ऑफ लाइट दैट स्ट्रेचेज अक्रॉस द स्काई दैट वी सी एट नाइट. द हेवनली बॉडीज इन द मिल्की वे, हेवनली बॉडीज क्या क्या हैं, सन है, मून है, स्टार है, प्लैनेट्स हैं और कॉमेट्स हैं, जिसको हम धूमकेतु भी कहते हैं. स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स बिग बॉल होते हैं फायर के, जो हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सन सबसे बड़ा स्टार है. इट इज़ वन ऑफ द स्टार इन द मिल्की वे, जिससे हमें लाइट और हीट मिलती है. मैनी ऑफ द स्टार्स विच आर मच बिगर देन द सन बट दे अपीयर वेरी स्मॉल, बहुत हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे वो बहुत ज़्यादा दूर हैं. इन द स्काई स्टार्स आर ग्रुप्ड इन अ पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर वे में स्टार्स इकट्ठा रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं. इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. सेटेलाइट्स और मून्स भी होते हैं. हमारा एक नेचुरल सेटेलाइट है अर्थ का, वो है आपका मून. देर आर हेवनली बॉडीज, कई हेवनली बॉडीज हैं जो कि आपके रिवॉल्व करती हैं, दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. These satellites are known as followers, as they follow the planet in their orbit around the sun. Planets क्या है, ये भी एक heavenly body है जो कि earth sun के चारों तरफ घूमती है. The planets are also known as wanderers. They move around the sun on a set path, मतलब एक ही path पे वो ऐसे घूमती रहती है, जिसको हम बोलते हैं orbit. दे डू नॉट प्रोड्यूस, ये हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन सन की जो रोशनी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है. हमारे प्लैनेट्स के क्या नाम है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून आर द एट प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन. इसमें पहले प्लूटो भी था, जो कि पहले निकाल दिया गया था साइंटिस्ट के स्टडीज़ में, अब उसको दोबारा लिया गया है, तो आपके 9 प्लैनेट्स हो गए. While planets revolve around the sun, जब ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, the stars are stationary. Stationary means ये एक ही जगह पे रहते हैं. They produce their own light and heat. सन कहीं भी नहीं घूमता है, सन एक ही जगह रहता है, सिर्फ उसके चारों तरफ planets घूमते हैं और ये सिर्फ light और heat देता है. Mercury जो कि सबसे छोटा planet है, ये सन के सबसे करीब है, इसके ना ही कोई moon है और ना ही satellites हैं. वीनस को हम ट्विन्स प्लैनेट बोलते हैं अर्थ का, क्योंकि वो अर्थ से जो है बहुत ही मिलता जुलता प्लैनेट है, ए ऑलमोस्ट उसी के साइज़ का है. इट इज़ द ब्राइटेस्ट
और ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट है अमंग ऑल द प्लैनेट्स। इसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, एज इट सीन आइदर जस्ट बिफोर द सनराइज एंड जस्ट आफ्टर द सनसेट। वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। अर्थ जिसमें आप रहते हैं ये थर्ड प्लैनेट है सन का, ओनली प्लैनेट जिसमें लाइफ सर्वाइव होती है, यानी लोग जीवित होकर के यहाँ पे रहते हैं क्योंकि उनको फ्रेश एयर यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। 2/3 अर्थ सरफेस का पानी से भरा हुआ है, इसको हम इसलिए ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं और इसका एक ही मून है। मार्स इसको हम बोलते हैं रेड प्लैनेट एंड इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसके 2 मून हैं। नेक्स्ट आपका जुपिटर है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। इसमें फेंट रिंग्स हैं जो कि आपको बहुत हल्की दिखाई देंगी और इसके कई मून्स हैं। नेक्स्ट आपका सैटर्न है, ये एक रिंग्ड प्लैनेट है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे देखिए रिंग्स हैं और एंड इज़ एज लार्ज एज जुपिटर, मतलब जुपिटर से लगभग थोड़ा सा ही कम छोटा होगा, लगभग बराबर का ही है। देर आर मैनी ब्राइट रिंग्स अराउंड द सैटर्न मेकिंग इट द लवलीएस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट, सबसे बाकी सारे प्लैनेट्स में सबसे प्यारा प्लैनेट सैटर्न दिखता है और इसके कई मून्स हैं। नेक्स्ट है आपका यूरेनस, यूरेनस एक यूनिक प्लैनेट है, ये 7th प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच रोल्स ऑन इट्स साइड्स में भी रोल करता है ऑन इट्स एक्सिस, अपनी जगह पे खड़े होकर के भी ऐसे वो रोल करता है। द अदर प्लैनेट स्पिन अपराइट, यूरेनस इज ऑल्सो इनसर्कल्ड बाय मैनी थिन, यूरेनस में भी बहुत पतले पतले थिन रिंग्स होते हैं और इसके भी मून्स हैं। नेक्स्ट है आपका नेपट्यून, नेपट्यून फर्देस्ट प्लैनेट है सन का और इसके भी फेंट रिंग्स हैं और मून्स है इसके चारों तरफ। कॉमेट्स, टेल स्टार को बोलते हैं कॉमेट्स, कॉमेट्स आर द लम्स ऑफ, इसमें क्या है आइस के बड़े बड़े टुकड़े और डस्ट है जो कि सन के चारों तरफ ट्रेवल करते हैं। एज द कॉमेट अप्रोचेज द सन, जैसे जैसे ये सन के पास आता है सम ऑफ इट्स फ्रोजन गैसेस जो हैं वो इवापोरेट, यानी हवा में जो है इवापोरेट हो जाती हैं और एक टेल, डस्ट की टेल बनाती हैं और आइस की, विच कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो इस तरीके से आपको लगेगा जैसे टूटता हुआ तारा है। एस्ट्रॉइड्स छोटे छोटे प्लैनेटरी बॉडीज हैं जो कि मोस्टली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स पे रहते हैं, इसको हम प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। सोलर सिस्टम, द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ, द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स अलॉन्ग विद द सैटेलाइट्स को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर का मतलब होता है ऑफ द सन, ये है देखिए आपका सन, पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है आपका, फिर आपका सैटर्न है, यूरेनस है, सॉरी सैटर्न जुपिटर है, सैटर्न है, फिर यूरेनस है और फिर आपका नेपट्यून और ये लास्ट में जो आप देखेंगे इसको बोलते हैं प्लूटो, जो कि सबसे छोटा और सबसे दूर है सन से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं अब आपको कॉपी वर्क दूंगी और बुक वर्क जो है वो मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजूंगी, तो आप लोग बुक का काम बुक में करिएगा और बाकी कॉपी वर्क अपनी कॉपी में उतारिएगा। थैंक यू।